दिल्ली पहुंच की कदर देख ले। क्रेज देखो क्रेज। खंडू डॉन गाना सुना दोस्तों, स्वागत आपका एक और नए ब्लॉग में। काफी दिनों बाद, क्योंकि जब से कानपुर से आए कोई ब्लॉग ना डालो, जो कानपुर के थे वही डाले। उसमें से भी एक बचा हुआ, देखो शायद वो इसके बाद आया, वो पहले आया। तो फिलहाल अभी हम लोग आए स्टेशन पे, हम अनुराग भाई, ये बैग रखे हैं दो और पूरी फैमिली, और हम लोग जा रहे हैं कासगंज। और कासगंज का जा रहे हैं वो तो अपने थंबनेल में देख लो, तो हम लोग जा रहे हैं गदर 2 देखने। गदर 2 में गदर भाई इधर आओ। तो भाई ना, मतलब काफी दिन से प्लान बना रहे गदर देखने को, मतलब फर्स्ट डे ही देखने वाले थे, लेकिन फर्स्ट डे कासगंज में हाउसफुल थो और फरकाबाद में लगी ना आए, और आज तीसरा दिन है और हम लोग सब लोग आज जाए के इंतजाम करो, तब आज जा रहे। बस कह रही दोस्तों, कोशिश करने वाले को भी हाथ मालगाड़ी में, तो आप लोगों को ये मैसेज है, आप जीवन में अपनी, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? एक यहाँ नॉर्मल डायलॉग यही रहा, अब लेट हुई गाड़ी आगे आगे कवर कराई, और एक यहाँ भैया चाबी दे दो, एक ग्राउंड घुमा के लिए आगे से बढ़ा ले भैया, तय से गाड़ी मैं चलाऊंगा भैया, चाबी दे दो आगे से बढ़ा के लाए हैं, रोक ली गाय हम लोगों की वजह से तुमने ट्रेन रोक ली। तो भैया ट्रेन आने लगी है और हम लोग जाएंगे कासगंज, वहाँ पर जाएंगे दिखाएंगे, और एंड तक रुके रहिए क्योंकि रिव्यू तो इसमें दिया हम लोग अपनी गदर फिल्म को, उसे देखने के लिए रुके रहिए, बाकी तो अरे करते हैं देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं कासगंज। गाइस वी आर ऑन कासगंज जंक्शन। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे, बोलो और गाइस कैसे हो? झूठ बोल रहा है। तो भैया फाइनली पहुंच गए कासगंज जी, हमारे ट्रेवलर बॉय। तो भैया अभी फाइनल पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी मूवी देखने ना जाएंगे, क्योंकि अभी जाएंगे हम मौसी जी के घर, उनके घर बैठेंगे, मतलब 6 बजे समारोह स्टार्ट है, तो इसलिए 6 बजे जाएंगे, अभी 4 बजे। चाची जी हाय बोलती हुई बस हवा निकल गई। तुम ट्रेवलर बॉय बन रहे थे, हम लोग आज मूवी देखने जा रहे हैं। तो भैया मौसी जी को घर इतने पास है कि टेम्पो वेम्पो करने की जरूरत ना, बस यहाँ से निकल जाओ, बस यहाँ से नहीं निकल जाओ, सामने दिख रहा दिखाएंगे अभी, जहाँ पर सामने दिख रहा One hour later. फाइनली पहुंच गए कदर देखने, बहुत ज्यादा इतने लोग भी गए हैं कि जब ट्री तक पूरी फुल हुई थी, बच्चे तो बैठ गए भैया की गोदी में, जहाँ बैठे उधर गदर मच रहे। चलो भाई फोटो खिंचाने हैं भाई के लिए सनी देओल के संग। गदर को इतना ज्यादा शोर है कि हाउसफुल चल रहा 2-3 दिन से, और हम लोगों ने तो पता कैसे टिकट, पता कैसे भूली जाए ना, सच में बात है कि सिस्टम की वजह से हो रहा है, सिस्टम है भाई, नेट फुल रुक रहा है, हां सब वीडियो स्टोरी बनाने के लिए लगे पड़े हैं, और बस जाए इंतजार में है कि कब शो खत्म होए। हां ये वाला शो खत्म हो, हम लोग जाएंगे भैया से, बताएं घर पे इतने ज्यादा बैठे थे, जब अब तो ज्यादा ना लगे, अब आए कि बहुत ज्यादा फील हो रहा है, जल्दी बस देख माहौल मिल गया, तो सिस्टम आ रहे हमारे बे भैया, सिस्टम इनकी वजह से, इनकी वजह से टिकट मिली। देख सकते हैं हमारा मीटअप हो रहा है, देखिए लोग आए हैं, लोग आए हुए हैं यहाँ पे, अपना सो चाहो तो गदर 2 देख लिया, तो इधर अपना सो हो गया। ए फ्यू मिनट्स लेटर गाइस, जब तक पैसे भागी लाहौर से नीचे, गाइस उसका सरवत पहुंचा ही नहीं अभी, मेरे पीछे बहुत भीड़ है, अरे उसका सरवत पहुंचे ना अब इस ट्रक के अंदर। चलो भाई चलते हैं, सीट ढूंढते हैं, पापा मैं भी जाऊंगा, मगर क्यों ना सकीना, रास्ता बालकनी भाई, हमने बालकनी की टिकट ली है, सीट मिल गई है, खत्म होने वाली है, चालू होने वाली है भाई, क्रेज देखो क्रेज, ये तो बालकनी क्यों है, अभी हम लोग ऊपर बैठे हम लोग। गाइज आप देख सकते हैं अपने कॉर्नर, मतलब जितनी बड़ी सीट है, बस 2 सीट खाली और सब अपने ही बैठे हैं, देख सकते हैं लास्ट तक।
लाली पेटीज क्योंकि पेटीज यहाँ बिक्री थी, बाकी और चीजें बाहर जाने पड़ेगा जिसमें लगे टाइम वहाँ। इंटरवल के बाद हम लोग आए गए बाहर, इंटरवल हो चुका और खा पी लिया है, अब हम लोग खड़े हैं। भाई साहब फोन गिर जाएगा नीचे। हमको मुस्कान मिली, हमको हमारी मुस्कान मिली, उत्कर्ष शर्मा के लिए अपनी मुस्कान मिलेगी। अब मूवी जो है वो अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई यहाँ से, अभी तक कॉमेडी में चलती थी लेकिन अब चलेगी एक्शन। बस इंटरवल खत्म हो, बस जल्दी देखें गाइस फोटो खिंचा रहे लोग, क्या लग रहा की अरे सनी देओल का। अरे भाई क्या Woo!
की शान कम नहीं होगी। रात भी 9 बज गए और भीड़ भी ज्यादा मेरे पास है, तब तेरा भी जितने मेरे पास है भाई साहब। The next day, गाइस यहां चल रही है। मुझे क्यों तोड़ा? पार्टी साइलेंट मोड पर है। अनुराग सोरो झूठ हो तो एक और कोल्ड ड्रिंक लाया है। तीन ही, अगर चौथा बंदा उठ गया तो गड़बड़ी में पड़ेगी। और जो सोरो इसलिए लाया है, अब भाई खाएंगे बिस्किट के साथ कोल्ड ड्रिंक ले भाई। ये टेढ़े मेढ़े बस दुआ करो गाइस, गाइस दुआ करो ये बंदा ना उठ जाए। पीने के बाद एक और इनको यूज करेंगे हम लोग। अबे तुम किन की पी गए? पहले जाम भरा हवा, चलो वाह, तुमने रामपुर याद दिलाया दो, वाह क्या ध्वनि प्रदूषण कर रहे। अब चलो बाहर चलो भाई, यार व्यू कितना मस्त है देख। तो भैया आज है सेकंड डे कासगंज में और हम लोग अब जा रहे हैं वापस घर, और मस्ती वगैरह करी थी वो थोड़ा बहुत दिखाए दी थी, बाकी कुछ ना। और कल रिव्यू की बात ये रही कि कल रिव्यू देते तो लेकिन कल रात हम लोग आए थे तो काफी ज्यादा समय ही हुआ तो, और खाना खाओ फिर थक गए थे तो सोए गए थे, इसलिए रिव्यू वगैरह शूट ना करो। तो आज रिव्यू बस इतना है कि मूवी एक बार जरूर देखो जाएगा अगर पॉसिबल है तो। यहाँ से बहुत ही जमाने में फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी निकलती है, मास फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है। मैं आप लोगों से जरूर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिल्म को जरूर देखना चाहिए। यही चीज हम कहना चाहें, अगर पॉसिबल है तो देखो जाएगा, वैसे थोड़ी ना कि कोई 70-80 किलो 200-300 किलोमीटर जाके देख रहे हो। अब हम लोग तो आएंगे क्योंकि है इधर पर रुकने की व्यवस्था। तो तुम बता मूवी के बारे में कुछ कह रहे। मूवी के बारे में यही है, सिस्टम बढ़िया तो सिस्टम हैंग कर दो चाची जी। अरे भाई आप लोग जरूर जाइए, और हमारी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख के आइए, बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। हमारी मम्मी ने बोल दिया था, मतलब पिक्चर इतनी बेस्ट है वो, हम क्या ही बताएं, पिक्चर इतनी बेस्ट है कि तिरंगा में उसकी इतना मतलब सब कुछ दिखाया, इतनी जान दिखाई है, तो वो तिरंगा लगा है ना कि मेरे गूज़बम्प्स स्टार्ट। चलो बाकी फिर हम लोग आ जा रहे हैं वापस घर। अभी समय बज रहा है 5 बजे वाली ट्रेन है, पहुंचे 7:30 बजे तक, रात तक ब्लॉग कर रहे हैं एंड काफी मतलब काफी समय है ब्लॉग शूट करते। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दियो ताकि और लोग भी देख लें। बस तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन है। तुम पियानो लगे